टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए बदल गया है टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। टी20 वर्ल्ड कप 2022 अब यहां से ज्यादा दूर नहीं है। आपको बता दें 16 अक्टूबर को टी20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत होगी। आपको बता दें 16 अक्टूबर से टी20 वर्ल्ड कप 2022 से शुरू हो रहा है। इसका फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा। अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया को अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। हालांकि इसी बीच शेड्यूल में कुछ बड़ा बदलाव किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस महामुकाबले से पहले टीम इंडिया को दो और मुकाबले खेलने हैं। ये दो मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाएंगे। हालांकि ये दोनों ही मुकाबले वार्म अप मुकाबले होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला वार्म अप मुकाबला 17 अक्टूबर को गावा के मैदान पर खेला जाएगा, तो वहीं इसी मैदान पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और वार्म अप मुकाबला खेलेगी जो कि 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए ये दोनों ही वार्म अप मुकाबले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर हम टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम के शेड्यूल के बारे में बात करें तो भारतीय टीम को पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, तो वहीं 27 अक्टूबर को भारतीय टीम A2 टीम के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। 30 अक्टूबर को भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरना है, तो वहीं 2 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम को अपना आखिरी मुकाबला B1 टीम के खिलाफ 6 नवंबर को खेलना है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।